Hello students, this is Ravindra Jangid. Welcome to our online classes. Our today's topic is determiner. In determiner, we will discuss today both, all, each, every, or none. First of all, we will see both. Both means, as we all know, both means होता है दोनों. Both means होता है दोनों ही. दोनों या दोनों ही. Both can be used only for two persons, things or animals. यानी both का प्रयोग जो है वो केवल और केवल दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या फिर दो animals के लिए किया जा सकता है. यानी both का प्रयोग केवल दो चीजों के लिए, दो चीजों के लिए हम both का प्रयोग करेंगे. जैसे यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा है कि बोथ माई पेरेंट्स आर गोइंग आउट टू नाइट. बोथ माई पेरेंट्स, जैसे कि हम गए पेरेंट्स, तो पेरेंट्स मीन्स फादर एंड मदर, मोम एंड डैड. तो मोम एंड डैड के लिए क्या है यहां पर, पेरेंट्स हैं, तो इसका मतलब कितने व्यक्ति हुए, दो. दो हैं तो दो के लिए हम यहां पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, बोथ का प्रयोग कर रहे हैं. हमने क्या लिखा कि बोथ माई पेरेंट्स आर गोइंग आउट टू नाइट. ये मेरे माता पिता दोनों ही, मेरे माता पिता दोनों ही आज रात बाहर जा रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू टू हेल्प मी विद दिस. यानी यहां पर जो भी बोलने वाला है वो किन्हीं दो लड़कों को, वेदर दो लड़के हो सकते हैं या फिर लड़कियां हो सकती हैं या फिर दो मित्र हो सकते हैं, दो को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ही इस तरीके से या इस चीज की मदद से आप मेरी सहायता करो. तो यहां पर बोझ जो वर्ड है, यहां पर ये जो टू है, ये दो जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, यहां पर केवल दो व्यक्तियों को डिनोट कर रहा है, टू पर्सन को बता रहा है, यानी दो व्यक्तियों को बता रहे हैं. नेक्स्ट वाले में देखिए कि बोथ द कैंडिडेट्स मेड सम गुड पॉइंट्स. सपोज देयर आर टू रनर अप इन एनी क्विज. अगर किसी भी क्विज में दो रनर अप है, फर्स्ट और सेकंड, तो उन फर्स्ट और सेकंड की अगर बात की जाए, यानी फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप की बात की जाए, तो हम कह सकते हैं, तो यहां पर वही कहा गया कि बोथ द कैंडिडेट्स, यानी बोथ द कैंडिडेट्स हु इज फर्स्ट एंड सेकंड मेड सम गुड पॉइंट्स, ने ही कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में बताया या कुछ अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो लिखे. तो यहां पर बोथ जो है, बोथ का प्रयोग केवल दो चीजों के लिए किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल की. तो ऑल और बोथ, यहां पर अंतर है कि सपोज इफ वी हैव ओनली टू पर्संस, अगर हमारे पास केवल दो ही पर्सन हैं, दो ही व्यक्ति हैं, दो ही वस्तुएं हैं, देन इट मींस वी विल हैव टू यूज ओनली बोथ. और इफ वी आर नॉट श्योर वेदर दे आर टू और मोर, कि वो दो है या दो से अधिक है, अगर श्योर नहीं है तो वी कैन यूज बोथ. जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में भी हमने देखा कि आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू, तो यहां पर भी अगर हम करना चाहें तो ऑल का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी भी कहा कि बोथ कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन वी आर श्योर दैट वी हैव ओनली टू थिंग्स, टू पर्संस और टू एनिमल्स. यानी बोथ का प्रयोग केवल और केवल तभी किया जाएगा जब हम श्योर हैं कि केवल व्यक्ति दो ही. जैसे यहां पर हमने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा था कि बोथ माई पेरेंट्स, तो वी आर श्योर That parents means mom and dad. तो दो ही है, तो दो है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, केवल both का प्रयोग करेंगे. जैसे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे I knew मोहन एंड सोहन. मैं मोहन और सोहन दोनों को जानता हूं, मोहन और सोहन दोनों को जानता हूं. Both are my good friends. जैसे यहां पर बात की जाए कि both of them हम कहें या फिर both are कहें, तो यहां पर both जो है वो किसके लिए आया, हम सभी जानते हैं कि किसके लिए आया है, मोहन और सोहन के लिए
आया है। तो मोहन और सोहन कितने हैं? केवल दो व्यक्ति हैं। तो दो के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया? बोथ का प्रयोग कर दिया। लेकिन अगर संख्या, बट वेन वी आर नॉट श्योर कि वेदर द थिंग्स आर ओनली टू, देन इट मीन्स वी विल हैव टू यूज, हमें किसका प्रयोग करना होगा वहां पर? हमें ऑल का प्रयोग करना होगा। जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया, यहां पर हम देख रहे हैं ऑल। ऑल मीन्स होता है सभी, ऑल मीन्स होता है सभी। या ऑल मीन्स होता है सभी। ऑल कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू पर्संस, थिंग्स एंड एनिमल्स। यानी नाउन हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल लिखा, ही ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस, ही ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहां पर हमने ऑल का प्रयोग किया है, लेकिन किसके लिए किया है? हमने अस के लिए किया है। अस मीन्स वो गिफ्ट किसके लिए लाया है? हमारे लिए। किसके लिए लाया है? हमारे लिए। तो यहां पर ये जो अस है, ये क्या हम श्योर हैं? क्या हम श्योर हैं कि केवल ये दो ही व्यक्ति हैं? दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो दो से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब हम यहां पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? ऑल का प्रयोग कर रहे हैं। आई गेव ऑल ऑफ माई ओल्ड बुक्स टू माई सिस्टर। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो कम से कम 10-12 बुक्स तो चलती है। अब 10-12 बुक्स चलती हैं, तो यहां पर जैसे मैं कहूं कि आई गेव ऑल ऑफ माई बुक्स टू माई सिस्टर, मैंने मेरी सभी पुस्तकें मेरी बहन को दे दी, तो क्या आपने दो दी हैं? नहीं, केवल दो ही किताबें थोड़ी चलती हैं, यहां पर तो 10-12 चलती हैं। तो मोर देन टू, दो से अधिक है, और दो से अधिक है तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑल का प्रयोग करेंगे। ऑल का एक दूसरा यूज है कि वी कैन यूज ऑल फॉर ऑल टाइम, यानी संपूर्ण समय, यानी जहां पर पूरे समय की बात की जाती है। अगर हम कहें कि वजह से, जैसे यहां पर एग्जांपल लिखा है हमने कि आई स्पेंट ऑल डे लुकिंग फॉर माय कार कीज, कि मैंने मेरे पूरे दिन को, यहां पर जैसे मैंने कहा कि वॉल टाइम, कंप्लीट टाइम, पूरा समय, पूरे समय की बात की जा रही है। तो पूरे समय की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आई स्पेंट ऑल डे लुकिंग फॉर माई कार कीज, कि मैंने मेरा पूरा दिन जो है वो गाड़ी की चाबियां तलाशने में बिता दी। जैसे द पार्टी वेंट ऑन ऑल नाइट, कि पार्टी जो है वो पूरी रात चलती रही। तो यहां पर भी ऑल शब्द है वो किसके लिए है? वॉल के लिए है, कंप्लीट के लिए है, कंप्लीट नाइट के लिए है। तो पूरी रात पार्टी चलती रही। एंड सम ऑफ द नेबर्स कंप्लेंड, और उनमें से कुछ पड़ोसियों ने क्या की? शिकायत कर दी। तो यहां पर हमने देखा कि नाइट संपूर्ण रात के अर्थ में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं यहां पर? तो ऑल का प्रयोग कर रहे हैं। तो संपूर्णता के लिए ऑल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट डिटरमिनर अपना आता है ईच और एवरी। ईच और एवरी की बात करें तो ईच और एवरी मींस दोनों ही क्या होता है? प्रत्येक होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब डिटरमिनर शुरू किए थे तब मैंने आपसे कहा था कि ईच और एवरी जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये मैंने आपसे पहले कहा था। अब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है? कि विच रेफर्स ओनली वन मेंबर फ्रॉम ए ग्रुप, यानी जो एक समूह में से किसी एक का, यानी एक मेंबर का वर्णन करता है, एक मेंबर के बारे में बताता है, इंडिविजुअल के बारे में बताता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ईच और एवरी का प्रयोग करते हैं। मोस्टली जैसे मैंने कहा कि ईच और एवरी दोनों का मीन जो है वो प्रत्येक होता है। दोनों का मीन प्रत्येक है कह सकते हैं हम, या फिर हम हर एक कह सकते हैं, हर एक क्या कह सकते हैं? हर एक कह सकते हैं। तो अब ईच और एवरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या? हम कह सकते हैं कि ईच कैन बी यूज्ड टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मीन्स हम कह सकते हैं किसी बात के ऊपर बल देने के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं, और एवरी कैन बी यूज्ड टू इन ए लाइट वे। लाइट वे में हम एवरी का प्रयोग
कर देते हैं। और भी अंतर है, और भी चीजें हैं जो हम देखेंगे यहां पर, जैसे बोथ कैन बी यूज बिफोर काउंटेबल नाउन, यानी दोनों जो है, दोनों कौन कौन से, ईच एंड एवरी, ईच और एवरी, बोथ कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन, दोनों का प्रयोग जो हो काउंटेबल नाउन से पहले ही किया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले इनका प्रयोग नहीं होगा। बात करते हैं ईच की, ईच डिनोट द मेंबर ऑफ ग्रुप, मेंबर्स ऑफ ग्रुप एज एन इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति विशेष, यानी व्यक्ति विशेष व्यक्तिगत रूप से किसी का वर्णन करता है, यानी एक व्यक्ति के बारे में बताता है, वो है ईच। जबकि एवरी जो है, एवरी जो है वो किसी ग्रुप में से जो भी संख्या है, जो भी नंबर है, जो भी मेंबर्स हैं, उनको एक सीरीज में, एक सीरीज में दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, देखो जैसे, जैसे हमने ईच चाइल्ड रिसीव्ड ए प्रेजेंट, तो यहां पर प्रेजेंट का मतलब उपहार, हम कहें उपहार या फिर भेंट, तो प्रत्येक बच्चे को एक उपहार मिला, यानी प्रत्येक, यहां पर एक इंडिविजुअल बच्चे की बात की जा रही है कि एक बच्चे को, यानी हर एक बच्चे को क्या मिला, एक उपहार मिला। लेकिन यहां पर जैसा मैंने कहा कि एवरी डिनोट्स ए ग्रुप एज ए सीरीज, सीरीज मींस श्रृंखला, यानी श्रृंखला के रूप में, श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है किसके द्वारा, एवरी के द्वारा। जैसे यहां पर लिखा है कि एवरी चाइल्ड रिसीव्ड अ प्रेजेंट, तो एवरी चाइल्ड यानी प्रत्येक बच्चे को उपहार मिला, हम कह सकते हैं कि एवरी चाइल्ड रिसीव्ड अ प्रेजेंट वन बाय वन, यानी प्रत्येक बच्चे को एक एक करके उपहार मिला, यानी सीरीज में, श्रृंखला में, श्रृंखला में उपहार मिला। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इसी में कि ईच कैन बी यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन टू, यानी ईच का प्रयोग जो है, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि ईच एवरी के साथ चाइल्ड आया है, ईच के साथ भी चाइल्ड आया है, यहां पर चाइल्ड क्या है, सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो यहां पर जैसा कहा, यह रूल है मैंने कि बताया कि ईच कैन बी यूज फॉर प्लूरल नाउन टू, यानी ईच का प्रयोग जो है वो बहुवचन संज्ञा के साथ भी किया जा सकता है, यानी ये कोई जरूरी नहीं कि यहां पर मैंने सिंगल लिखा है तो हमेशा सिंगल ही आएगा, नहीं, यानी ईच कैन बी यूज फॉर प्लूरल नाउन टू, यानी बहुवचन संज्ञा के साथ भी हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आई गेव ईच ऑफ द प्लांट्स, आई गेव ईच ऑफ द प्लांट्स सम वॉटर, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जहां पर भी ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होगा, कहीं पर भी, कहीं पर भी अगर हमें ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ करना है, तो ध्यान रखना कि ईच के साथ हमें ऑफ का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा, ऑफ का प्रयोग करना होगा। जैसे ऊपर आपने देखा ईच चाइल्ड रिसीव्ड, चलो और एग्जांपल देखते हैं ऐसे, जैसे हमने कहा ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, ये लिखा हमने ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ईच का प्रयोग क्या है, ईच के साथ यहां पर क्वेश्चन जो है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, यहां पर क्या है, ये सिंगुलर है। लेकिन जैसा मैंने अभी भी कहा कि अगर हमें प्लूरल के साथ इसका प्रयोग करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर ऑफ का प्रयोग करना होगा। जैसे इसी को अगर हम चेंज करें तो हम लिखेंगे ईच ऑफ द क्वेश्चंस, ईच ऑफ द क्वेश्चंस इक्वल कैरीज इक्वल मार्क्स, कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है अर्थ सेम है, दोनों का अर्थ जो है वो सेम है कि यहां पर हमने सिंगल लिखा है, यहां पर हमने प्लूरल लिखा है, लेकिन यहां पर जो हम प्लूरल लिख रहे हैं तो उस प्लूरल के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, ऑफ का प्रयोग करना है, जैसा यहां पर भी किया गया है कि आई गिव ईच ऑफ द प्लांट सम वॉटर। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ही टोल्ड ईच ऑफ अस, ही टोल्ड ईच ऑफ अस, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अस जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल, अस जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमने ईच का प्रयोग किया है तो साथ में हमने ऑफ का प्रयोग भी किया है, तो ही टोल्ड ईच ऑफ अस आवर जॉब्स। तो यहां पर नेक्स्ट बात करें कि एवरी का प्रयोग जो है,
एवरी में एवरी का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर नाउन के साथ होता है, एवरी का प्रयोग हम प्लूरल नाउन के साथ कभी भी नहीं करेंगे। यानी एवरी का प्रयोग जिस प्रकार से इज का प्रयोग हुआ है प्लूरल के साथ, तो एवरी का प्रयोग प्लूरल के साथ कभी नहीं होगा। एवरी का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होगा, जैसा कि हम देखें यहां पर कि एवरी मॉर्निंग रोहित रीड्स मैगजीन्स, कि प्रत्येक सुबह हर एक सुबह रोहन क्या पढ़ता है, मैगजीन्स पढ़ता है। नेक्स्ट देखिए हम, आई गो टू विजिट माय मदर एवरी वीक, कि मैं मेरी मां से मिलने प्रत्येक सप्ताह जाता हूं। तो यहां पर भी हमने क्या लिखा है, एवरी के साथ वीक लिखा है, तो एवरी के साथ जब भी सिंगुलर नाउन आती है तो उसके साथ हमें ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। तो ये था आपका ईच और एवरी। नेक्स्ट डिटरमिनर की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट डिटरमिनर अपना है नन। नन मीन्स होता है कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं, जैसा मैंने यहां पर लिखा भी है, इट मीन्स नॉट ए सिंगल वन, इट मीन्स नॉट ए सिंगल वन, कि एक भी व्यक्ति नहीं। इट कैन बी यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस, यानी इसका प्रयोग जो है वो हमेशा नेगेटिव अर्थ में किया जाता है, नन का प्रयोग हमेशा नेगेटिव अर्थ में किया जाएगा। दूसरी बात हम बात करें आगे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, सी इंस्पेक्टेड ऑल ऑफ द प्लेट्स बट नन वॉज क्लीन्ड। यहां पर हमने लिखा कि उसने सभी प्लेटों का निरीक्षण किया किंतु कोई भी साफ नहीं थी। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो बट आया है, तो मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि बट के बाद जो वाक्य है उसका परिणाम जो है वो हमेशा बदल जाता है। जैसे यहां पर चाहे ये पॉजिटिव अर्थ दे रहा हो लेकिन उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा कैसा अर्थ देगा, नेगेटिव अर्थ देगा। तो यहां पर जैसे सी इंस्पेक्टेड ऑल ऑफ द प्लेट्स, उसने सभी प्लेटों का निरीक्षण किया लेकिन एक भी प्लेट धुली हुई नहीं थी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रोहन इनवाइटेड ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, कि रोहन ने अपने सभी मित्रों को आमंत्रित किया बट नन केम। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि रोहन ने अपने सभी मित्रों को आमंत्रित किया लेकिन एक भी नहीं आया, यानी एक भी मित्र नहीं आया। तो यहां पर ये था आपका नन, और इसी के साथ आपके डिटरमिनर भी समाप्त होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, वो आप याद रखेंगे हमेशा, कि जैसे यहां ध्यान रखना कि जैसे बोथ ऑल की हम बात करते हैं तो ये दोनों के दिखने में क्या है, प्लूरल है, और इनके साथ हमेशा लगभग हमेशा प्लूरल वर्ब ही काम में ली जाती है। ऑल कैन बी यूज्ड, यानी ऑल का प्रयोग जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, और जब भी इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा तो वहां पर सिंगुलर नाउन लिखी जाएगी, लेकिन जब इसका प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लिखी जाएगी, और जब इसका प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ होता है तो सिंगुलर वर्ब लिखी जाएगी। जबकि इनकी बात करें हम, ईच एवरी हो या फिर नन हो, चाहे तो ईच एवरी हो या फिर नन हो, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग इनके साथ नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, जैसे यहां पर हमने लिखा, यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे फिर भी और देखिए कि जैसे नन हैज इनवाइटेड हिम, कि किसी ने भी उसे आमंत्रित नहीं किया। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा नन, और नन के साथ मैंने यहां पर हैज का प्रयोग किया है, तो हैज क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। तो मैंने अभी भी कहा कि नन हो या फिर ईच एवरी हो, ईच के साथ जैसे मैंने यहां पर प्रयोग किया है कि ईच क्वेश्चन कैरीज, तो कैरीज वर्ब जो है वो भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो मैंने अभी भी कहा कि ईच एवरी या फिर नन, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और जबकि ऑल और बोथ के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये थे आपके डिटरमिनर।